हेलो क्लास एट्थ, वेलकम इन ए के स्टडी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो आपका चैप्टर नंबर 7 है, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। इसके ऊपर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो यहां पर देखो, जो पहला क्वेश्चन है इसमें बोला गया चेक वेदर 1728 इज ए परफेक्ट क्यूब बाई यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब हमें प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके इसको चेक करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, अपने पास कितना है 1728। अब क्योंकि यहाँ लास्ट में 8 है तो ये 2 से हो जाएगा पहले। ठीक है, तो 2 8 जा 16, 17 में से 16 क्या 1 1 क्या गया 2 यानी 12, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, फिर लास्ट में 4 है तो ये 2 से हो जाएगा, फिर 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर ये 2 से हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा, फिर ये 2 से हो जाएगा, 2 1 जा 2, टेबल नहीं जा रहा 0, 2 8 जा 16, फिर यहाँ से 2 से हो जाएगा, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर ये 2 से हो जाएगा, ठीक है ना, 27 बार। अब ये 3 से होगा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब हमने 1728 के फैक्टर किए तो हर एक फैक्टर 3 3 के ग्रुप में आ रहा है। जैसे यहाँ पे 3 बार 2 आ गया, फिर 3 बार 2 आ गया यानी 6 बार 2 आया, और 3 बार 3 आया। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे 2 कितनी बार आया है, 6 बार आया है, और 3 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि भाई हर एक फैक्टर 3 के ग्रुप में है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब है। तो हम बोलेंगे 1728 इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो देखो बस इतना हमें चेक करना था कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। लेकिन अगर पूछा होता इसका क्यूब रूट निकालो, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे क्यूब रूट निकालने को भी पूछा होता, तब हम कैसे करते, तब हम इसको क्यूब रूट के सिंबल में लिखते। ठीक है ना, ये जो है यहाँ पे छोटा सा 3, ये क्यूब रूट का सिंबल है। ठीक, तो इसका क्यूब रूट क्या हो जाता और कैसे निकालते हैं वो बहुत ईजी होता है। देखो, आप सिंपली क्या करोगे, 3 बार जो भी फैक्टर होगा उसके बदले में 1 बार बाहर निकालोगे, यानी कि यहाँ 3 बार 2 है, इसके बदले में 1 बार 2 बाहर आएगा, फिर यहाँ पर 3 बार 2 है, 1 बार 2 बाहर आएगा, फिर यहाँ पर 3 बार 3 है तो 1 बार 3 बाहर आएगा। तो यहाँ से कितना, 2 2 जा 4, 3 जा 12, यानी इसका क्यूब रूट हो जाएगा 12। हालांकि यहाँ पर पूछा नहीं हमसे कि क्यूब रूट निकालो, बट फिर भी आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। समझ में आ गया, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, जो अगला क्वेश्चन है इसमें बोला गया फाइंड वंस डिजिट ऑफ दी क्यूब्स ऑफ दी फॉलोइंग। मतलब जो ये नंबर हमें गिवन है इनका अगर क्यूब निकाला जाए तो उसमें वंस डिजिट यानी कि यूनिट प्लेस डिजिट या इकाई का अंक क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पहले हिस्से की, तो पहला हिस्सा अपने पास है 4 5 6 7। क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से अगर इसका क्यूब निकालूँ मैं तो मुझे बताना है उसका वंस डिजिट क्या होगा। ठीक, तो देखो यार, अब आपको क्या करना है, इस पूरे नंबर का क्यूब मत निकालो, क्योंकि इस पूरे नंबर का क्यूब निकालोगे बहुत टाइम लग जाएगा। हमें पूरा नंबर थोड़ी बताना है, हमें क्या बताना है कि वहाँ पर इकाई का अंक यानी यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा होगा। तो उसके लिए हम, जो हमारे पास तरीका है, हम क्या करते हैं, हम इस नंबर का जो यूनिट प्लेस है उसको उठा लेते हैं, कहीं भी उठा लो, मान लो रफ में मैंने उठा लिया, और इसका क्यूब निकाल लेते हैं, सिर्फ इसका। तो 7 का क्यूब 343, अब क्या करना, आप 1 से लेके 10 तक के क्यूब याद कर लेना, ठीक है ना, वो बहुत कम आएगा आपके। तो 7 का क्यूब 343 हो गया। अब जो यहाँ पर यूनिट प्लेस पे है वही इस नंबर का अगर क्यूब किया जाए तो उसके भी यूनिट प्लेस या वंस डिजिट पे आएगा। समझ में आ गई बात, ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट में क्या है, 879, इसका अगर क्यूब निकाला जाए तो क्यूब के यूनिट प्लेस पे क्या आएगा ये पूछा है, या फिर वंस डिजिट पे क्या आएगा ये पूछा है। तो फिर से हम वही करेंगे, ये उठा लेंगे इसका 9 9 का क्यूब अगर आप निकालते हो तो आपको मिलता है 729, यानी यूनिट प्लेस पे 9 ही आएगा। ठीक, इसी तरह से अगर मैं इसका तीसरा हिस्सा करूं तो इसके तीसरे हिस्से में मेरे पास क्या है, 3 4 5 6 2। अब अगर मैं इसका क्यूब निकालूं तो मुझे पूरा नहीं निकालना, यहाँ से जो 2 है ये उठा लो, 2 का क्यूब कितना 8, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 8 ही आएगा। ठीक, तो इस तरह से, इस तरह के क्वेश्चन को हम करते हैं। चलो ये समझ में आ गया होगा, अगला देखते हैं।
अगला है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमें क्या करना है, हमें क्यूब रूट निकालना है। क्या निकालना है? क्यूब रूट किसका निकालना है? 5832 का। तो चलो इसको पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, 5832, तो 2 से करेंगे, 2 जा 4, फिर 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर ये 2 से हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, फिर ये वापस से 2 से हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, अब ये 3 से होगा। ठीक है, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर ये 3 से हो जाएगा 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर ये 3 से हो जाएगा 27 बार, फिर ये 3 से हो जाएगा 9 बार, फिर 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। तो यहाँ पे इसके बराबर हम क्या लिखेंगे? देखो, 2 कितनी बार आया? 3 बार 2 आया है, और 3 कितनी बार आया? 3 और 3 6 बार। ठीक है, तो यहाँ पे 2 आया है 3 टाइम्स और 3 आया है 6 टाइम्स, तो वो लिख दो। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया। क्यूब रूट के लिए मैंने आपको क्या बताया? 3 का ग्रुप बनाओगे, उसके बदले में एक बार लिखोगे, यानी कि यहाँ पे 3 बार 3 है, उसके बदले में एक बार 3 बाहर, 3 बार 3 है, उसके बदले में एक बार 3 बाहर, कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। ठीक है, यानी कि इसका क्यूब रूट कितना होता है? 18 होता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें पूछा गया, इज 392 अ परफेक्ट क्यूब? इफ नॉट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट प्रोडक्ट इज परफेक्ट क्यूब। मतलब पहले तो हमें बताना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। अगर नहीं है तो हमें बताना है कि इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें, किस स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो पहले तो चेक करते हैं यह है या नहीं। ठीक, तो यहाँ पे अपने पास क्या है? अपने पास है 392, तो 2 से हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, फिर ये 2 से हो जाएगा 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, फिर ये 2 से हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, फिर ये 7 से हो जाएगा 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो यहाँ देखो यार, 392 है अपने पास, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 तो 3 बार आया है, 2 कितनी बार आया है? 3 बार आया है, लेकिन 7 कितनी बार आया? 7 सिर्फ 2 बार आया, तो हम बोलेंगे कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है ना, इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, अब पूछा गया था कि अगर ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा तो किस स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करें। देखो यार, हमें क्या करना है, हमें हर चीज़ 3 बार लेके आनी थी, 2 तो ऑलरेडी 3 बार है, 7 एक बार कम पड़ रहा है। अगर मैं किसी तरह से 7 लेके आ जाऊं, यानी 7 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो इसका भी 3 का ग्रुप कंप्लीट हो गया। तो मतलब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम बोलेंगे 392 जो है विल बी मल्टीप्लाइड बाई 7 सो दैट प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो इसमें इतना पूछा था किससे मल्टीप्लाई करें, हमने बता दिया 7 से। किसी किसी क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि वो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा उसका क्यूब रूट भी निकालो। तो याद रहे आपको, अगर ऐसा पूछा जाता तो आप इधर भी 7 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी। ठीक है, उसका क्यूब रूट क्या हो जाएगा? 3 बार 2 के बदले में 1 बार 2 लिखना, 3 बार 7 के बदले में 1 बार 7 लिखना, 7 2 जा 14 उसका क्यूब रूट होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया, इज 1188 अ परफेक्ट क्यूब? इफ नॉट, बाय विच स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इट शुड बी डिवाइडेड सो दैट क्वोशेंट इज परफेक्ट क्यूब। मतलब पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, वहाँ पे मल्टीप्लाई करके बनना था, यहाँ पे डिवाइड करके बनाना है परफेक्ट क्यूब, अगर नहीं है तो पहले चेक करते हैं है या नहीं। ठीक, तो अपने पास जो नंबर है वो है 1188, तो 2 से किया तो 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, फिर ये 2 से हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, फिर अब ये किससे होगा? 3 से होगा, 3 9 जा 27 और 3 9 जा 27। ठीक है, अब ये किससे होगा? देखो, 3 से हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, फिर ये 3 से हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, अब ये 11 से हो जाएगा 11 1 जा। ठीक,
तो यहाँ पर 1188 का जो फैक्टराइजेशन आया, ठीक है, दो बार तो आया है दो, यहाँ पे आप देख सकते हो दो बार कितना आया, दो, तीन बार तीन और एक बार 11, ठीक है ना, तीन बार तीन आया है और फिर 11 आया है। तो यहाँ पे देखो यार, तीन का तो ठीक है, तीन का ग्रुप बन रहा है, लेकिन यहाँ पर एक दो कम पड़ रहा है और यहाँ पर 11 का भी नहीं है, 11 भी कम है। तो अगर हमसे मल्टीप्लाई करने का पूछा होता तब तो हम उतनी बार मल्टीप्लाई कर देते कि सब कुछ कंप्लीट हो जाए, लेकिन यहाँ डिवाइड करने का पूछा है, ठीक है। तो पहले बात तो आप लिख लेना 9, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे 9, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। उसके बाद हमसे पूछा था किससे डिवाइड करें, ठीक है, और किससे डिवाइड करें। जब आपको ये लिखना है तो आपको इतना याद रखना है कि डिवाइड वाले केस में हम क्या करते हैं, जिसका ग्रुप बन गया उसको छोड़ दो, जिसका नहीं बना उन सबसे डिवाइड किया जाता है। किस किस का नहीं बन रहा, इसका नहीं बन रहा, तो यानी हम डिवाइड करेंगे 2 × 2 से, इंटू इसका नहीं बना यानी 11 से, यानी कि 11 × 2 = 22, 22 × 2 = 44, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट शुड बी डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड करेंगे, 2 × 2 × 11 यानी कि 44, ठीक है। फिर से समझा देता हूँ, देखो अगर मैं इसको जो फालतू है 2 × 2 × 11 से डिवाइड कर दूँ तो 11 से 11 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, इस 2 से 2 कट जाएगा, जो बचेगा वो 3 के ग्रुप में होगा यानी परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है ना। तो मैं किस किस से डिवाइड कर रहा हूँ, 2, 2, 11, तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना, यानी 2 × 2 = 4, 11 = 44 से डिवाइड करेंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, अब देखो जो अगला क्वेश्चन, इसमें बोला गया परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिन ऑफ साइड 5 cm, 2 cm, 5 cm, हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल बी नीडेड टू फॉर्म ए क्यूब। मतलब कि जो परीक्षित है उसने क्यूबॉइड बना रखे हैं जिनकी लेंथ ब्रेथ हाइट इतनी है, अब वो इन क्यूबॉइड से क्यूब बनाना चाहता है, तो हमें बताना है कितने क्यूबॉइड की ज़रूरत लगेगी। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ क्यूबॉइड टू मेक अ क्यूब, ठीक है, कितना लगेगी देखो, सबसे पहले, ठीक है, ये लिखने से पहले आप निकाल लो कि वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, जो क्यूबॉइड बनाए हैं ना उसका वॉल्यूम पहले निकाल लो, ठीक है, जो इसने क्यूबॉइड बनाए हैं उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, आप जानते हो L × B × H होता है, तो लेंथ कितनी है 5 cm, ब्रेथ कितनी है 2 cm, हाइट कितनी है 5 cm। जैसे ही आपने इतना निकाल लिया, अब आप देखो अगर इस क्यूबॉइड से आप बना रहे हो क्यूब, तो क्यूब का जो वॉल्यूम आएगा वो तो परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, है ना, क्योंकि क्यूब का जो वॉल्यूम है वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर होगा। तो यानी कि आप यहाँ पर देख लो इसमें क्या कमी है कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं बन पाया। तो यहाँ पर 1 5 है, यहाँ 1 5 है, 2 5 है ना, 1 5 और मैं ले आऊँ तो 3 × 5 हो जाएगा, यानी 5 का 3 का ग्रुप कंप्लीट, यानी 1 तो 5 कम पड़ रहा है इनटू। दूसरी बात क्या, यहाँ पर 1 × 2 है, अगर मैं किसी तरह से यहाँ पर 2 बार और ले आऊँ 2, यानी कि 1 और ये 2 3 बार ये भी हो जाएगा, यानी कि 2 बार 2 की कमी पड़ रही थी, तो यहाँ से 5 × 2 = 10 × 2 = 20, यानी कि 20 क्यूबॉइड्स और लगेंगे, मतलब 20 क्यूबॉइड्स लगेंगे ताकि ये, यानी कि 20 क्यूबॉइड्स लगेंगे ताकि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, यानी कि जो नंबर ऑफ क्यूबॉइड्स रिक्वायर्ड हैं ताकि क्यूब बन सके वो है 20, ठीक है। तो इस तरह से हम करते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग थ्रू एस्टीमेशन। तो यहाँ पर हमें एस्टीमेशन से इनका क्यूब रूट निकालना है। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ आपको बता दूँ कि एस्टीमेशन से हम उन्हीं नंबर्स का क्यूब रूट निकाल पाते हैं जो परफेक्ट क्यूब नंबर हो। इसके लिए सबसे पहले आपको 1 to 10 क्यूब्स याद होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ देखो मैंने ये क्यूब्स लिख दिए हैं, ये 1 to 10 आपको याद होना चाहिए तभी आप ये मेथड लगा पाओगे। चलिए पहला जो नंबर है वो कितना है, 12167, 12167, ठीक है। इसका मुझे क्या निकालना है, इसका मुझे क्यूब रूट निकालना है। तो देखो इस मेथड को अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस तरफ से जो पहले 3 डिजिट मिले उनको अलग कर लो, यानी कि 167 यहाँ कहीं अलग लिख लो, बाकी जो डिजिट बच गए यानी कि 1 2, ठीक है, इसको अलग लिख लो, ठीक है। जितने भी होते हैं हम 3 3 का ग्रुप बनाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो ये पहला मिला हमें, ठीक है ना, इस तरफ से पहला जो ग्रुप मिला इसमें देखते हैं यूनिट प्लेस पे 7 है। फिर इन नंबर्स में आपको ढूंढना होता है जो क्यूब करके आए हैं कि यहाँ पर 7 किसके यूनिट डिजिट पे है, तो आपको मिल जाएगा 27 में 7 आ रहा है,
तो 27 है, ठीक है ना, ये किसका क्यूब करने पे आया वो ढूंढो, 3 का क्यूब करने पे आया। तो मतलब इस नंबर के बदले में यूनिट प्लेस बताएगा आपको ये कि 3 आएगा, मतलब जब भी आप इसका क्यूब रूट निकालोगे तो जो नंबर आ रहा होगा उसका यूनिट प्लेस 3 होगा। फिर से समझा रहा हूँ, यूनिट प्लेस कैसे पता लगेगा, जो पहला ग्रुप है ये देखो 7 आ रहा है, तो 7 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 27, इसका किसका क्यूब है ये 3 का, तो 3 लिख दो, ठीक। इसके बाद जो यहाँ पर आएगा वो कैसे पता लगेगा, यहाँ पे देखो कितना है 12, आपको देखना है ये 12 किसके बीच में आ रहा है, क्या इसके बीच में आ रहा है, नहीं, क्या 8 और 27 के बीच में आ रहा है, हाँ, यानी कि 12 कहीं ना कहीं इनके बीच में आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, जिसके बीच में आया उसमें से छोटा वाला ले लो जिसका क्यूब हो रहा है, मतलब 8 और 27 के बीच में आया लेकिन आपको देखना इधर है, ठीक है ना, 8 किसका क्यूब था 2 का और 27 किसका क्यूब था 3 का, तो इसमें से छोटा वाला क्या है 2 का क्यूब, यानी इसका 2 उठा लो, तो यहाँ से लिख दो 2, तो कहने का ये मतलब है इसका क्यूब रूट निकालोगे तो 23 मिलेगा आपको, ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको। चलिए अगर कुछ रह गया है तो कोई बात नहीं, एक और निकालते हैं। जैसे मैं दूसरे की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे क्यूब रूट निकालना है 17,576 का, फिर से मैं वही करूँगा, ये 3 मैंने यहाँ पे अलग लिख दिए, बाकी ये 2 मैंने यहाँ पे अलग लिख दिए, फिर मैं क्या देखूँगा, जो पहला 3 का ग्रुप मिला इसके यूनिट पे 6 है, तो इनमें से कहाँ पे 6 आ रहा है भाई, ये रहा 6, ठीक है, यहाँ पे 6 आया, किसका क्यूब करने पे आया ये 6 का, तो मतलब यूनिट डिजिट तो 6 होगा। फिर मैं क्या देखूँगा, ये किसके बीच में आ रहा है, क्या 1 और 8 के बीच में 17 आता है, नहीं, क्या 8 और 27 के बीच में आता है, हाँ, तो मतलब जो 17 है वो इनके और इनके बीच में है, यानी कि इधर वाला क्या है, छोटा वाला लेना है आपको, छोटा वाला क्या मिल जाएगा 2, तो यहाँ से हो जाएगा 26, यानी इसका क्यूब रूट होगा 26, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं अगला करूं, अगर मैं अगला करूं यानी थर्ड पार्ट अगर मैं करूं, तो इस बार मुझे क्यूब रूट निकालना है, ठीक है ना, तो यहाँ पे 857,375, ठीक है, 857,375, फिर से मैं क्या करूँगा, 3 का ग्रुप बना लिया भाई, बाकी यहाँ पर 3 का ही बचा हुआ है, लिख दो, ठीक। अब मुझे सबसे पहले से क्या मिलेगा, यूनिट प्लेस पे क्या आता होगा, ठीक है, तो पहले मैं देखूँगा कि यहाँ पर क्या है 5, 5 वाला ढूंढो भाई, 5 वाला कौन मिलेगा, ये रहा, ठीक है ना, यहाँ पे 5 है, तो किसका क्यूब करने पे आया 5 का ही, यानी यूनिट प्लेस पे आएगा 5। इसके बाद सेकंड कैसे पता लगेगा, 857 जो है किसके बीच में आ रहा है, तो 857 इनके बीच में आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे कहीं आएगा 857, तो इसमें से छोटा वाला देख लो कितना, 9 का क्यूब, तो यानी 9, तो ये हो गया, यानी इसका क्यूब रूट आ जाएगा 95। तो ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।